ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के कुछ ऐसे सूत्रों के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप जिसकी भी कुंडली देख रहे हो, अगर आप वो सूत्र लगाते हो तो आप उन पे एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जमा सकते हो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र, जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा पहले घर में हो तो ऐसे लोग नहाते समय बहुत अधिक टाइम लगाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार बाल देखने की आदत होती है या बार बार शीशा देखने की आदत होती है। उसके बाद दूसरा सूत्र, जिनका भी बुध पांचवें या छठे हाउस में हो, ऐसे लोग जो भी बोल देंगे वो हो जाता है। ऐसे लोग जो भी बिना सोचे समझे बोल दें, बुरा या अच्छा, वो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सूत्र, जिनका भी बुध सेवंथ हाउस में है तो ऐसे लोग जो बोलेंगे सामने वाले को वो उनके लिए अच्छा हो जाएगा, पर ये चीज खुद पे लागू नहीं होती। उसके बाद जिनका भी शुक्र सिक्स हाउस में है, छठे हाउस में है, ऐसे लोगों की वाइफ की अक्सर तबीयत खराब रहती है। इन लोगों की वाइफ को कभी भी नंगे पैर ही नहीं रहना चाहिए और हमेशा बालों में गोल्डन क्लिप लगा के रखा, बहुत ही अच्छा उपाय है इसका। पांचवा सूत्र, जिनका भी शनि नौवें या ग्यारहवें हाउस में हो, ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इनको हमेशा तीन प्रॉपर्टीज मिलती हैं या तीन व्हीकल, कार बाइक्स, हमेशा इनको तीन ही मिलते हैं और इनको कभी भी इनको तीन नहीं होने देना चाहिए, हमेशा इनको दो रखना चाहिए और तीसरे को हमेशा सेल करते रहना चाहिए। ये भी इसकी रेमेडी है। उसके बाद छठा सूत्र, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन है, ऐसे लोगों की माँ और इनकी खुद की तबीयत हमेशा खराब रहती है और इनकी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उसके बाद सातवां सूत्र, जिनका भी चंद्रमा छठे हाउस में है, ऐसे लोग हमेशा अपने घर से दूर रहते हैं या तो ऐसे लोग फॉरेन में सेटल होते हैं और ऐसे लोगों की मम्मी यानी कि माँ, इनकी हमेशा मेडिसिन कोई ना कोई चलती रहती है। उसके बाद आठवां सूत्र, जिनका भी राहु पहले घर में हो, ऐसे व्यक्ति के फादर को या तो हार्ट अटैक रिलेटेड इश्यूज होते हैं या हार्ट के रिलेटेड इशू होते हैं और ऐसे व्यक्ति की फादर की डेथ अक्सर देखा गया कि 30 साल से पहले ही हो जाती है। उसके बाद नौवां सूत्र, जिनका भी मंगल छठे हाउस में हो, ऐसे लोगों के घर में हमेशा कुछ ना कुछ मीठा पड़ा रहेगा और ऐसे लोगों के जितने चाचा होते हैं इनके हमेशा उतने ही बेटे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर इनके दो चाचा हैं तो इनके दो ही बेटे होंगे, अगर इनके एक चाचा है तो इनके एक ही बेटा होगा। उसके बाद जिनका शनि थर्ड हाउस में है, जिनका भी शनि थर्ड हाउस में है, ऐसे लोगों की जबरदस्ती की प्रॉपर्टी मिलती है। जबरदस्ती की प्रॉपर्टी का मतलब या तो कोई कलीग या कोई ना कोई आके इनको प्रॉपर्टी दिलवा ही देता है। उसके बाद ग्यारहवां सूत्र, जिनका भी शनि पहले घर में हो, ऐसे लोगों के घर पे अक्सर दारू की बोतलें देखी गई हैं। ऐसे लोग बेशक दारू पीते हो या ना पीते हो, इनके घर पे हमेशा बोतलें मिलेंगी और इनकी शादी के बाद इनके ससुराल की बहुत तरक्की होती है। उसके बाद बारहवां सूत्र, ट्वेल्थ सूत्र, जिसका भी शनि सिक्स्थ हाउस में हो, ऐसे लोगों को अक्सर चमड़े वाली चीजें गिफ्ट मिलती है। ऐसे लोगों को या तो चमड़े की बेल्ट या चमड़े का पर्स या फिर चमड़े के शूज हमेशा गिफ्ट मिलते हैं। अक्सर देखा गया कि इनको चमड़े का पर्स हमेशा गिफ्टेड आता ही आता है और इनको ये कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसके बाद तेरहवां सूत्र, जिनका भी सूर्य सेकंड हाउस में होता है, ऐसे लोगों को अक्सर गिफ्ट्स मिलते रहते हैं और इनको कभी भी गिफ्ट फ्री में नहीं लेना चाहिए। सुनने में थोड़ा बुरा लग रहा होगा पर इनके लिए गिफ्ट लेना अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को गिफ्ट के बदले कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। उसके बाद 14वां सूत्र, जिनका भी चंद्रमा आठवें घर में हो, ऐसे लोगों के घर पे अक्सर फॉरेन करेंसी होती है या फिर उनके वॉलेट में फॉरेन करेंसी जरूर होती है, इन लोगों को फॉरेन करेंसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बाद इसका 15 सूत्र, जिनका भी बुध सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों के घर पे हमेशा खराब घड़ियां होती हैं या फिर उनके गोले मिलते हैं, ऐसे लोगों को घर पे कभी बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए और उनके गोले कभी भी नहीं रखने चाहिए। उसके बाद 16वां सूत्र, 16 सूत्र, जिनका भी सूर्य 12th हाउस में हो,
ऐसे लोगों को अक्सर घड़ियां गिफ्ट में मिलती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 17वां सूत्र। जिनका भी चंद्रमा सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों का जन्म अक्सर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होता है, या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा या सेकंड पे होगा। इन लोगों का जन्म कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 18वां सूत्र। जिनका भी राहु दूसरे घर में हो, ऐसे लोगों के घर में चोरी जरूर होती है और ये हमेशा दिन के समय में होती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका 19वां सूत्र। जिनका भी राहु पहला, दूसरा या फिर पांचवें घर में हो, ऐसे लोगों के दांत अक्सर टेढ़े मेढ़े देखे गए हैं, और ऐसे लोगों के दांत के ऊपर दांत भी हो सकता है, और ऐसे लोगों का वेम्पायर टीथ जिसे हम बोलते हैं, ऐसे दांत भी होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका 20वां सूत्र। जिनका भी शुक्र पहले घर में हो, ऐसे लोग जब भी बाहर निकलेंगे हमेशा रेडी होके निकलेंगे, और ऐसे लोग दिन में 2 से 3 बार कपड़े चेंज करते ही करते हैं। ऐसे लोग अगर कहीं भी कुछ खरीदने निकले, लेने एक चीज जाते हैं और हमेशा 4 चीज़ें लेकर वापस आते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ 20 नए सूत्रों के बारे में, जिसको भी आप अगर किसी की कुंडली पे लगा के प्रेडिक्ट करोगे तो अगले पे आप एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो।